हरे कृष्णा राधे राधे। हिंदी कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना जो होता है 12वां महीना होता है। 25 फरवरी से फागुन का महीना शुरू हो गया है और फागुन का जो महीना है वो रंगों का महीना है, इसलिए इस महीने में होली का उत्सव मनाया जाता है और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के दिन हम अपने लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलें, सुबह सुबह नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देंगे और सिंपल सी लड्डू गोपाल को कोई भी ड्रेस पहना देंगे। आप चाहें तो सफ़ेद रंग की लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना सकते हैं या सतरंगी पांच रंगे लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना सकते हैं। और लड्डू गोपाल का हमें ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना है और होली का सारा सामान लड्डू गोपाल के हम पास ही रख लेंगे। उसके बाद एक थाली या कोई बर्तन हम ले लेंगे जिसमें बैठाकर अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से हम होली खिला सकें। साथ में ही मैंने यहाँ पर पहले ही गाय माता को विराजमान कर लिया है, तो अब जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे आप उस पात्र में स्वास्तिक बना लें और लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग ही आप वो पात्र लें, बड़ा सा पात्र लें जिसमें लड्डू गोपाल के साथ आप आराम से होली खेल सकें। स्वास्तिक बनाने के बाद में लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ में फूलों की होली खेलेंगे। अगर आपने फुलेरा दौज वाले दिन लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली नहीं खेली है तो आप होली वाले दिन भी लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली खेल सकते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के चरणों पर हम पुष्प की वर्षा करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे यानी फूलों की होली खेलेंगे, और उसके बाद में बारी आती है लड्डू गोपाल के साथ रंगों की यानी गुलाल की होली खेलने की। गुलाल की होली खेलने के बाद में हम खेलेंगे रंग बिरंगी पानी की होली और सबसे लास्ट में खेलेंगे सादा जल से होली यानी पानी की होली। तो देखिए बहुत ही प्यार के साथ में हमारे लड्डू गोपाल खुश हैं और हमने सारे यहाँ पर जो गुलाल बनाए थे घर पर वो सारे गुलाल ले लिए हैं, हर्बल गुलाल हैं। इससे मेरे लड्डू गोपाल को यानी हम सब के लड्डू गोपाल को कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो मार्केट से भी ये गुलाल खरीद सकते हैं, हर्बल गुलाल मार्केट में भी मिलते हैं जो बिना केमिकल के होते हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं होता है और वो उनके जो कलर होते हैं वो थोड़ा डल होते हैं यानी फीके कलर होते हैं, तो उनकी यही पहचान होती है और उनमें जो स्मेल आती है वो अच्छी हल्की हल्की धीमी धीमी सी आती है, ज़्यादा अजीब सी स्मेल नहीं होती है उसमें। तो चलिए लड्डू गोपाल के साथ में हम गुलाल की होली खेलते हैं और बारी बारी से हमारे पास जितने भी गुलाल हैं वो सारे गुलाल लड्डू गोपाल को लगा देंगे। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए पिचकारी भी ले ली है, तो पिचकारी से भी लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलेंगे। होली खेलने के टाइम पे तो हम बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह ही बच्चे बन जाएंगे। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने यहाँ पर बैलून फुला करके रखे हैं पानी के, तो वो भी लड्डू गोपाल को यहाँ पर इस प्रकार से छुलाते हुए उन्हीं के पास हम रख देंगे। और लड्डू गोपाल को ना होली खेलना बहुत अति प्रिय है, अधिक पसंद है, तो लड्डू गोपाल के साथ में जी भर के आप होली खेलिएगा। और सूखा गुलाल लगा दिया है, अब हम पानी की होली खेलेंगे। रंग बिरंगे जो हमने कलर का पानी बनाया है इनसे लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलेंगे। तो ये जो कलर का पानी है मैंने बनाया है, आप लोगों का कमेंट आया था, तो जो हमने गुलाल बनाया था यानी फूड कलर से उसी कलर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो सारा कलर डालते हुए लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे बहुत ही भाव के साथ में। और बच्चों को होली खेलना बहुत पसंद होता है और होली वाले दिन तो घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग लड्डू गोपाल को गुलाल ज़रूर लगाएं, खासकर बच्चों से आप होली ज़रूर खिलवाएं लड्डू गोपाल के साथ में। और उसके बाद में जब आप लड्डू गोपाल के साथ होली खेल लें, और मेरा तो यहाँ पर मन ही नहीं भर रहा था लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने से, पर मुझे ये लग रहा था कि लड्डू गोपाल को कहीं सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए मैंने बस यहीं पर लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना बंद किया और उनको सादा जल से फिर स्नान करा लिया। आप चाहें तो अलग से कोई पात्र ले सकते हैं, उसमें लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसी पात्र में लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, अच्छे से जो भी रंग लगा हुआ था लड्डू गोपाल को साफ़ कर दिया। आपको ठंडे जल से ही यानी नॉर्मल जल से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, तो मेरे लाला यहाँ पर लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। जो गीले वस्त्र हैं वो हम निकाल देंगे और ये जो जल है वो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे अपने मन मुताबिक, जैसे आपके लड्डू गोपाल को पसंद है। या आप चाहें तो होली के जो होली खेलने के बाद में लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहनाई जाती है, अगर आपके पास नई ड्रेस है तो आप नए
पोशाक पहना सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कहीं कहीं ये रिवाज होती है होली खेलने के बाद में नए वस्त्र पहने जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहना सकते हैं। उसके बाद में हम अब लड्डू गोपाल जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जिस प्रकार आप लोगों को पता है होली खेलने के बाद में बहुत थकान होती है हम लोगों को भी, तो उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल भी थक चुके हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी खेलते खेलते, यानी होली खेलते खेलते। तो लड्डू गोपाल को चलिए जल्दी से पूजा आरती कर लेते हैं। लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे जो भी पकवान आपने बनाए हैं उनका सभी का हम भोग लगाएंगे। मोस्टली लड्डू गोपाल को गुजिए का भोग जरूर लगाइएगा आप होली वाले दिन। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को इत्र लगा दिया है और गाय माता की हमें सेम इसी प्रकार से ही सेवा करनी है, और उनको फूल समर्पित करने हैं, चंदन का तिलक लगाना है, भोग में गुजिया समर्पित कर दी हैं। और लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की और एक टॉफ़ी लगाकर वो जो माला बनाई थी वो हम यहाँ पर पहना देंगे। भोग में आप तुलसी दल जरूर रखिएगा। तो जो भी आपके पास भोग है, आपने घर पर पकवान बनाए हैं, उन सभी का हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, जल समर्पित कर देंगे और तुलसी दल समर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल को। और जो भी होली खेलने के टाइम पे लड्डू गोपाल के पास से गुलाल और रंग और रंगीन जल जो भी बचा हुआ है वो लड्डू गोपाल के पास ही हम रख देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हमारे पूरे दिन होली खेलेंगे होली वाले दिन, तो इसलिए लड्डू गोपाल पूरे दिन होली खेलते रहें उनके पास जो रंगीन जल है वो भी रख देंगे। लड्डू गोपाल के लिए जो हमने पानी वाले बैलून फुलाए थे वो भी हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल पूरे दिन जब भी उनका मन करे तब वो होली खेलते रहें राधा रानी के साथ में। तो चलिए अब हम पूजा आरती कर लेते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक हम अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे और निवेदन करेंगे लड्डू गोपाल से, आप आइएगा होली खेलिएगा। और होली खेलने के बाद में आप हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए, होली खेलते समय कोई भी अगर गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने ठाकुर जी से, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। और होली खेलने के बाद में हम लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल की आप बंसी से मोर पंख से उनकी नज़र उतार सकते हैं। 7 बार 11 बार घुमाते हुए हम लड्डू गोपाल की यहाँ पर नज़र उतार देंगे और मोर पंख यथा स्थान पर रख देंगे। तो इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतार सकते हैं। जब भी मुझे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे सुंदर लगते हैं, वैसे तो अपना बच्चा हमेशा ही हमें सुंदर लगता है, यानी लड्डू गोपाल हमेशा ही मेरे मुझे सुंदर लगते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और होली का उत्सव लड्डू गोपाल के साथ खूब धूमधाम के साथ मनाइएगा। तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली, और लड्डू गोपाल के लिए राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।